पार्क में गए थे शाम को पापा के साथ, क्या क्या करने गए थे वहाँ पे? लाइट लगाने के लिए गए थे। अच्छा, जब रात को अपने पापा के पास सोए थे आप? हाँ, फोन देखते देखते सो गया। अच्छा, पापा क्या कर रहे थे ये पता आपको रात को? पापा कॉपी में कुछ लिख रहा था। अच्छा, जिस टाइम पे आप सोए उस टाइम पे कॉपी में कुछ लिख रहे थे आपके पापा? नहीं, थोड़ी देर बाल भेज दिया था मैं। अच्छा, आपको थोड़ी देर बाहर भेज दिया। और फिर जब आप वापस गए तो वो लिखने लग रहे थे। और फिर आप फोन देखते देखते सो गए। उसके बाद पापा ने क्या किया ये नहीं देखा आपने? सुबह जब उठे तब देखा था। क्या देखा फिर? पापा पहले चला था। अब कृष्ण ने जो ये मतलब सुसाइड किया है, तो ये जो घटना हुई है ये कैसे हुई है? मतलब के मतलब कल ही हुआ ना ये, इसका क्या कारण रहा है सुसाइड करने का? है के उसने फोन करया और थाने में लिखतम होगी, बोला भैया मैं ले जाऊंगा, मतलब मैं लेन नहीं जा, वह आप छोड़ जाएंगे जिस तरह गई थी। अच्छा, उनने कही है कि भाई ले जाओ आकर। इसने फिर उनने क्या सरित धरी वो उन्हें के माँ बापा से अलग किराए पर कमरा ले ले, जब आऊंगी ना मैं नहीं आऊंगी। अच्छा, ये शर्त रखी। सोरे ने एक दो बात भी करी अपने ससुरे तक, उस तक बात नहीं करी। हाँ, मन ने भी बात करी के ससुरे तक, उस तक भी करी। बेटी गणी खर्चा तानी नहीं करा करा, रोना घर आ जाए तेरे छोटे बालक संभाल ले अपने ने। बेटी ने बोली क्यों क्यों आ जा, तेरे पोते में तो कदे भूत बना है कदे प्रेत बना है, मैं कोने आऊँ, न्यारा कमरा ले ले कर मन ले जाएगा। ये भूत प्रेत वाला के मैटर था बस, झूठी साची बात लगानी कुछ ना करता कुछ, मतलब इस तरह कुछ को ले उसने बेरा होगा के थार के ना, हमने कुछ नहीं बेरा। अच्छा, अब जो ये सुसाइड जो किया उस दिन कैसे क्या कैसे हुई है घटना, किस टाइम पे हुई है? उस दिन सांझ का अड़ा पार्क में लाका आया, बोले पर लाइट लाट लाका आया, श्रृंगार का आया, खूब सुती रहा आया 9 बजे से। हाँ, कल की बात सुन, कल शिवरात्रि वाले दिन। हाँ, लाइट लाका आ गया 9:30 बजे की बात होंगी। आके बोले मामा लाइट लाया, मैं कहा अच्छा बेटा लाया, तो मैं रोटी खा ले तू ऊपर। मैंने एक डेढ़ परांठा दे दिया, उन्होंने परांठा खा लिया और लौट के फोन देखने लग गया। बोला माँ तू लौट जाना क्यों आंडा है, दुखी होती माँ आप सो जाऊँ मैं फोन देखूँ। मैं ठीक से बेटा था। हाँ, दौरा था। इसने अपना दौरा रखा करता, जीता हाँ। ही फालतू रखा करता इसने। हाँ, यो दौरा था। मैं फिर सुबह उठी 7 बजे सी, मैं कह रही कृष्ण के था, कृष्ण तो कृष्ण था, तो न्यू होया पड़ा ऊपर लगा हेरा बड़ा लुट गेरा बाजोरा कैसे उसमें लटकता हुआ मिला या कैसे? अड्डा पड़ा था, खुल रही थी, खुल रही थी उसकी, खुल गई वो, खुल गई वो जन होया होगा जब खुल गई होगी वह। मैं ना वो बेड पर पड़ा पाया, फिर मेरा अपना परिवार बुलाया ऊपर तले, तो ये ऊपर रहे तीसरी मंजिल पर, छोटा बेटा अड़ रहा है। जब सारे इकट्ठे हुए फिर क्या था, कुछ भी ना था, लीला हो रहा था, जीव उसकी इतनी देख रही थी। फिर उन्होंने पुलिस में फोन करया, फिर सारे आ गए, इंक्वायरी हुई, फिर वह लक्कर वह दो धराखे थे, मगर जी ये पाए हर धरे, फिर पुलिस ने वह पड्डे हैं। अच्छा, सुसाइड नोट था, सुसाइड नोट नोट था। हाँ, 6 पेज का जी, छः पेज का सुसाइड नोट मिला है। अच्छा, उसके बाद जो है वहाँ से वो जो उसके ससुराल वाले थे और उसकी पत्नी थी, वो आए या नहीं आए वहाँ से? आए कल, आए थे वह रोले के मुड में आड़ बैठी थी मैं, उसकी पत्नी जा आड़ खड़ी होकर ने बोली यार डाकन अपना पोता खा लिया, यानी मेरा वो बाज का चिपटन की कोशिश में थी। मेरा फिर आगे मेरे रिश्तेदार आ रहे थे, वहाँ गड़ गए उनका। हाँ, रोले के मुड में आए थे। अच्छा, अब जो है हमें पता लगा कि आप लोगों ने जो है FIR करवा रखी है। हाँ। उनके उन लोगों के खिलाफ कितने लोगों के नाम उसमें लिखवाए? 9 आदमियों के नाम। अच्छा, गिरफ्तारी हुई है किसी की? इतना हमने नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है, या प्रशासन जाना। क्या अपील करेंगे प्रशासन से?
प्रशासन तो हमने तो अपील करी थी, जो मेरा बेटा सबूत लिख कर गया था वो मैंने दे दिया था। मगर जी मार दो तो लिख कर जा रहा है, देख लो इसमें के लिख रहा है के ना, उसके हिसाब से उन एप्लीकेशन लिखी है, उससे हिसाब से ये अकवा फलाई। प्रशासन ने आश्वासन क्या दिया है, क्या कहा है प्रशासन? प्रशासन तो कुछ भी ना कह के गए हमारे ताई, कोई वो नहीं है। अरे तो उछरे की लाश न ले गए, उसका मेडिकल हो गया और फिर ले आकर नाम दाग दे दिया जी। पीछे कोई प्रशासन में तो कोई नहीं आया है, ये काल हुई थी बात। बेटा ये बोलता है से, अच्छे से बताता है? यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। क्या नाम बेटा आपका? दक्ष। दक्ष, अच्छा इधर मुँह कर लो, इधर मुँह कर लो। क्या नाम आपका? दक्ष। दक्ष, स्कूल जाते हो? अच्छा ये जो हुआ है आपके पापा के साथ आपको पता है? नहीं पता। जैसे आपकी दादी जो बता रही है कि रात को जो कुछ आप अपने पापा के पास थे रात को, पार्क में गया था, वो बात बता दी। पार्क में गए थे शाम को पापा के साथ, क्या क्या करने गए थे वहाँ पे? लाइट लगाने के लिए गए थे। अच्छा जब रात को अपने पापा के पास सोए थे आप? हाँ, फोन देखते सोगा। अच्छा पापा क्या कर रहे थे ये पता आपको रात को? पापा कॉपी में कुछ लिख रहा था। अच्छा जिस टाइम पे आप सोए उस टाइम पे कॉपी में कुछ लिख रहे थे आपके पापा? नहीं, थोड़ी देर बाल भेज दिया था मैं। अच्छा आपको थोड़ी देर बाहर भेज दिया, और फिर जब आप वापस गए तो वो लिखने लग रहे थे, और फिर आप फोन देखते देखते सो गए। उसके बाद पापा ने क्या किया ये नहीं देखा आपने? सुबह जब उठे तब देखा। क्या देखा फिर? पापा पहले चला था। भाई देखो बच्चा है, इससे ज़्यादा जो है इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन ये जो दो चार सवाल थे ये पूछने बहुत ज़रूरी थे। और वो कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और जो जिस तरह से जो सुसाइड नोट वाली जो बात है, मैं एक बार यही जानने की कोशिश कर रहा था, और बच्चा जो है बता रहा है, इससे जो है पहले हमने बात भी नहीं की है, आपने देखा भी है ये वीडियो जो है जिस टाइम पर ऑन कैमरा जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस टाइम पर बच्चा जो है बाहर से आया है, इसको पता भी नहीं है कि भाई ये जो हम भी जो है यहाँ पे आए हैं क्या करने के लिए आए हुए हैं कौन हैं, इस बच्चे को नहीं पता इन सब बातों का। लेकिन जो मैं इससे पूछना चाहता था वो ये बता रहा है कि पापा जो है वो कॉपी में कुछ लिख रहे थे, ये इसको नहीं पता इसको। और जो है बच्चा है कितने साल का? ये सात साल। कितने साल के हो आप? छः। कौन सी क्लास में हो? यूकेजी में। यूकेजी में है भाई जो है बता रहा है, और जब कॉपी में कुछ लिख रहा है और सुसाइड नोट मिला है तो भाई ये तो जो है बिल्कुल हो सकता है सुसाइड नोट उसी वक्त जो है वो लिख रहे थे, और उसके बाद जो है ये सारा जो है हादसा जो हुआ है। बाकी परिवार ने पूरे जो है जानकारी दी है, और प्रशासन से परिवार जो है अपील भी कर रहा है कि मामले की छानबीन हो, और जो भी इसमें दोषी पाया जाए जो भी अपराधी हो उसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए, ये परिवार की मांग है। बाकी इस मामले में कोई और अपडेट अगर सामने आती है वो भी हम आप लोगों के सामने जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।